पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं हिंदी के ब्रिज कोर्स के पाठ एक दिन भूजका के कार्यपत्रक 1, 2 और 3। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे वाले लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं कार्यपत्रक 1। नीचे दिए गए कथन किसने कहा, क्यों कहा, किससे कहा और कब कहा। इस तरह के प्रश्न कि किसने कहा, क्यों कहा, किससे कहा और कब कहा, है ना बच्चों। तो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको ये पाठ एक दिन भूजका पढ़ना बहुत जरूरी। जब आप ये पाठ पढ़ लोगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हो। यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो ऊपर आई बटन में जो लिंक दी गई है उससे इस पाठ को आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं हमारे वीडियो से। तो चलो बच्चों फिर से शुरू करते हैं। यह अनुशासित जीवन क वाला है। यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है। यह एक वाक्य दे रखा है। नीचे हमसे प्रश्न पूछा क्यों कहा। तो ये क्यों कहा था, ये लेखक ने कहा था क्योंकि लेखक जो है रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ में भाग लेने के लिए गए थे जो कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ होनी थी। तो सीमा सुरक्षा बल के जवानों की का अनुशासित जीवन देखकर ये लेखक ने कहा था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, क्यों कहा, सीमा सुरक्षा बल के जवानों का अनुशासित जीवन देखकर कहा, अनुशासित जीवन, ये थोड़ा अच्छे से लिख लेना, जीवन देखकर कहा था, है ना। किसने कहा था, लेखक ने। अब किससे कहा, किससे कहा था, तो यहाँ जो पाठ था एक दिन भूजका उसमें सारी बातें अपनी डायरी से कही गई है, है ना बच्चों। जो डायरी वो लेखक लिख रहे हैं उसी से अपनी हर बात उन्होंने कही है। तो किससे कहा, तो हम लिखेंगे लेखक ने अपनी डायरी से कहा, है ना, अपनी डायरी से कहा क्योंकि वो हर बात अपनी डायरी में लिख रहे थे और उसी से वो बात कर रहे थे। दूसरा है चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी, और क्या चाहिए, है ना बच्चों। तो जब हमने पाठ पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि ये कब कहा था लेखक ने, कि जब उनको गांव में चूल्हे की रोटियां और घड़ा भर कर लस्सी मिली थी तो बहुत खुश हो गए थे इससे और उन्होंने ये बात कही थी। तो क्यों कहा, क्यों कहा था लेखक को, गांव की चूल्हे की रोटियां और लस्सी बहुत पसंद आई थी, है ना बच्चों। लेखक को गांव की चूल्हे की रोटियां और लस्सी बहुत पसंद आई थी इसलिए उन्होंने कहा था, ठीक है, बहुत पसंद आई थी इसलिए उन्होंने कहा था कि यदि शहर के निवासी को चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भरकर लस्सी मिल जाए तो और क्या चाहिए। मतलब बहुत अच्छी बात है कि चूल्हे की रोटियां मिल जाए और घड़ा भरकर लस्सी, क्योंकि शहरों में तो चूल्हे की रोटियां मिलना मुश्किल है और घर की बनी हुई लस्सी भी बहुत मुश्किल से मिलती है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। किसने कहा, तो हम यहाँ लिखेंगे डायरी के लेखक ने कहा, लेखक ने कहा, है ना। डायरी थका हुआ हूँ, अब अगला देखो, डायरी थका हुआ हूँ अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। क्यों कहा, क्योंकि, क्योंकि लेखक को अब नींद आ रही थी, है ना, इसलिए उन्होंने बोल दिया था कि डायरी, अब मैं थका हुआ हूँ अब बातें नहीं कर सकता, क्योंकि सारे बातें उन्होंने किससे करी थी, अपनी डायरी से। कब कहा, रात के समय जब उन्हें, रात के समय जब उन्हें नींद आ रही थी। कब कहा था, रात के समय जब उन्हें नींद आ रही थी इसलिए उन्होंने कहा था कि डायरी, मैं थका हुआ हूँ अब मैं और बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। ठीक है बच्चों, तो ये कार्यपत्रक एक पूरा हो चुका है। तो बच्चों ये कार्यपत्रक 2 है जो कि बहुत आसान है, इसे आप खुद कर सकते हो, मैं केवल समझा देती हूँ। दिए गए चित्रों के आधार पर अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखना है
चित्र को देखकर लिखना है ना बच्चों। तो देखो ये चित्र दे रखा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये जंगल जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पेड़ है ना, छोटा सा रास्ता है, तो यहाँ पे हरियाली है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर हरियाली होना बहुत जरूरी है, पेड़ पौधे होना बहुत आवश्यक है, पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन संभव है, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं जो कि प्राणवायु होती है, पेड़ों का हमारे सामाजिक जीवन में भी बहुत अधिक महत्व होता है। ये सारी बातें आप लिख दोगे। दूसरा चित्र देखो बच्चों, ये एक गोला है, वास्तव में एक पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है ये, जो कि हाथों में सुरक्षित रख रखी है ना, हाथों में इस तरह से ले रखा, मतलब पृथ्वी की सुरक्षा करना चाहिए। और ये ऊपर से हरे कलर में दे रखा, मतलब वही पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए। तो धरती पर यदि पेड़ पौधे रहेंगे तो ही धरती पर जीवन संभव है, पेड़ पौधों के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं होगा। यदि पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने लग जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ये आपने विज्ञान में जरूर पढ़ा होगा, और उससे ग्रीन हाउस गैसें बढ़ जाएगी, धरती का तापमान बढ़ जाएगा, तो जो ध्रुवों की बर्फ है वो पिघल जाएगी, जिससे चारों ओर पानी पानी हो जाएगा, आदि बातें आप यहाँ पर लिख सकते हो, है ना बच्चों, ये आप कर लोगे खुद। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 3। निर्देशानुसार दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। तो इनके उत्तर हमें अपनी कॉपी में लिखना है। सीमा सुरक्षा बल के जवान दिन रात सीमा पर लगे रहते हैं, उपरोक्त कथन के अनुसार भारतीय जवान के बारे में 2-3 वाक्य लिखिए। तो हम लिख सकते हैं आसानी से भारतीय जवान के बारे में 2-3 वाक्य। भारतीय जवान बहादुर होते हैं, है ना, भारतीय जवान बहुत बहादुर होते हैं, ये आप लिख सकते हो, बहुत बहादुर होते हैं, भारतीय जवान बहुत बहादुर होते हैं, भारतीय जवान देश सेवा में लगे रहते हैं, ठीक है, देश सेवा में लगे रहते हैं, भारतीय जवान वक्त आने पर देश के लिए शहीद हो जाते हैं, ये भी आप लिख सकते हो यहाँ। उसके बाद है आयोजन की तैयारी करने में अल सुबह से ही हम सारे लग गए थे, है ना, जब मैंने पाठ पढ़ाया था तब भी बताया था कि अल सुबह मतलब बहुत जल्दी सुबह सुबह। रेखांकित शब्द का प्रयोग करते हुए एक नया वाक्य बनाइए, एक नया वाक्य बनाना हमें, तो हम यहाँ लिख देंगे आज अल सुबह से ही मैं परीक्षा की तैयारी करने लग गया था या लग गई थी, परीक्षा की तैयारी करने लग गया था या लग गई थी। अल सुबह मतलब बहुत जल्दी सुबह सवेरे, ठीक है। अब अगला है ग वाला, लेखक खुद को तसल्ली दे रहा था, खुद को ही भरोसा दे रहा था, तसल्ली दे रहा था, बैठ गया तो पहुंच ही जाऊंगा, है ना। लेखक कहाँ बैठा था, ट्रेन में आकर बैठा था और रेल में आकर बैठा था, क्योंकि उसे भूत जाना था। लेखक किस बात की तसल्ली दे रहा था और कहाँ पहुंचना चाहता था, कि रेल में बैठ गए हैं तो पहुंच ही जाएंगे, है ना, इस बात की तसल्ली दे रहा था ना कि पहुंच ही जाएंगे, आखिर बैठ गया तो पहुंच ही जाऊंगे। अब उनको अपने आप पे भरोसा हो गया था कि जैसे तैसे करके वो कठिनाई से बैठ पाए थे तो अब वो पहुंच ही जाएंगे। और लेखक किस बात की तसल्ली दे रहा था और कहाँ पहुंचना चाहता था, तो लेखक कहाँ पहुंचना चाहता था, लेखक भुज गुजरात, है ना, गुजरात में भुज गुजरात पहुंचना चाहता था, ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना उत्तर। तो लेखक कहाँ पहुंचना चाहता था, लेखक भुज गुजरात पहुंचना चाहता था। और लेखक किस बात की तसल्ली दे रहा था, लेखक इस बात की तसल्ली दे रहा था कि रेल में बैठ गए हैं तो पहुंच ही जाएंगे, है ना बच्चों। यहाँ आगे आप लिखना कि इस बात की तसल्ली दे रहा था कि रेल में बैठ गए हैं तो पहुंच ही जाएंगे, या रेल में बैठ गया हो तो अब मैं तो पहुंच ही जाऊंगा, ठीक है।